सबसे पहले जाहिद आप ये बताइएगा कि ये जो नया बयानिया है हम देख रहे हैं कि 70 साल से क्या मजाक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सिविलियन जो सुप्रीमेसी है उसकी वो कहाँ पर है, कि जो नवाज शरीफ साहब का नए जो रंग है वो क्या टेंशन का सबब बन रहा है सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के अंदर दरमियान? मैं उसको नया बयानिया नहीं कहूँगा, पुराना बयानिया है एक में खैर खासा जो है, अगर आप देखें कि जो 99 के बाद जो है उनका तो लहजा यही रहा है, जब उनकी हुकूमत ख़त्म की गई थी मिलिट्री कोर्ट की, उसमें एक शिद्दत ज़रूर आई है। और लेकिन ये जो है, ये अगर आप देखें कि जब वापसी हुई, जब से इनकी 2007 वापस आए थे, तो उस वक्त से जो है इनका एक बयानिया ये चला आ रहा था। और यकीनी तौर पे जो है अगर आप देखें तो उसमें एक शिद्दत ज़रूर आई है जब ये फैसला होने के बाद जो है, और उसमें जो है उसकी वजह से जो है अब ऐसा मालूम होता है कि एक टकराव की सी कैफियत है। अच्छा, एक टकराव की तो है कैफियत, और ये अभी की बात ये भी नहीं है अभी की। देखिए अगर थ्रू आउट अगर आप देखें कि इनके 4 साल जो रहा है, ये जो है मिलिट्री और सिविल के ताल्लुकात थे वो बहुत बेहतर नहीं रहे। अगर आप पूरा 4 साल देखें तो उनकी जो है अप्स एंड डाउन ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि मिलिट्री के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे हैं। लेकिन अब जो है उसमें यकीन तौर पे जो अब आप जो कह रहे हैं जिस बयानिया की, उसकी वजह से एक शिद्दत ज़रूर आई है, लेकिन उसमें और भी फैक्टर भी शामिल होते चले जा रहे हैं।